सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। ये सब्जेक्ट आपके बीएससी पार्ट वन में एज अ मैंडेटरी कोर्स जिन्होंने फिजिक्स ली है के तौर पे चलता है और आज इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टर पढ़ेंगे, इसके डेरिवेशन के बारे में देखेंगे। नॉर्मली डेरिवेशंस कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसमें आरएल आरसी आरएलसी तीनों के डेरिवेशन है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के। इन छह डिफरेंट डेरिवेशन से एक या दो डेरिवेशन पूछने की संभावना होती है। चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें एक रेजिस्टर लगा है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसमें एक कैपेसिटर लगा है जिसका कैपेसिटेंस C है और एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है। ये तीनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक DC बैटरी लगी हुई है, साथ में एक की या स्विच लगा हुआ है। ये सारा कनेक्शन पांचों का एक सीरीज कनेक्शन है। तो देख लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है इन तीनों में। देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको VR इक्वल टू IR से लेते हैं। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको VL इक्वल टू LdIdt के तौर पे लेते हैं। VC के लिए कैपेसिटर के लिए वोल्टेज ड्रॉप VC इक्वल टू Q/C लेते हैं। यहाँ क्यू आपका कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो चार्ज बनता है वो चीज है, ठीक है। और आई इसमें सर्किट में बहने वाली करंट है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, E इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VL होगा। ये आपका डायग्राम, यहाँ तक का डायग्राम चार्जिंग के लिए है, चार्जिंग कैपेसिटर के लिए है, और ये डायग्राम आपका डिस्चार्जिंग के लिए है जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में। और हमने KVL का नियम को अप्लाई किया तो क्या होगा, E इक्वल टू VL प्लस VR प्लस VC। इन तीनों की हमने जो वैल्यूज पहले लिखी थी करंट या चार्ज के टर्म में उसको हम रखते हैं, तो क्या होगा, E इक्वल टू LdIdt, VR के लिए प्लस IR, VC के लिए Q/C, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ से L को कॉमन लिया और उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो क्या हुआ, E अपॉन L इक्वल टू DI/DT प्लस RL/II प्लस Q/LC, ठीक है। अब हमने क्या किया, आपको पता है करंट और चार्ज के बीच क्या रिलेशनशिप है, I इक्वल टू DQ/DT होता है, ठीक है। तो हमने उसको यहाँ पे और यहाँ पे रखा, तो क्या होगा एक्सप्रेशन E/L इक्वल टू D2Q/DTQ, ये आपकी 2D का डिफरेंशियल बन गया। R/L आगे जाके DQ/DT रखा प्लस Q/LC, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, इसको पहली इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम इसको R/L को 2K के बराबर लेते हैं, 1/LC को ओमेगा स्क्वायर के बराबर लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को हम इक्वेशन नंबर A1 में कर देते हैं। अब क्या होती है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या चेंजेस होते हैं, DQ/DT2 प्लस Q प्लस 2K/DQ/DT प्लस ओमेगा स्क्वायर Q इक्वल टू E/L, ठीक है। अब हम E/L को लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहे हैं इस इक्वेशन के, तो क्या होगा, DQ/D2Q/DT3 प्लस 2K/DQ/DT प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू माइनस E/L, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमने ओमेगा स्क्वायर, जहां पे कोई टर्म नहीं है, उन दोनों टर्म को कंबाइंड किया और ओमेगा स्क्वायर के टर्म को हम बाहर ले आए, तब क्या हुआ, D2Q/DT2 प्लस 2K/DQ/DT प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में Q माइनस E/ओमेगा स्क्वायर L, ठीक है।
क्या कर रहे हैं, जो ओमेगा की वैल्यू है उसको हमने पुट किया, E अपॉन ओमेगा स्क्वायर L इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एल सी है। ये हमने कहाँ से पिक की है, ये हमने यहाँ से पिक की है, ठीक है, यहाँ से पिक की, तो बचेगा सी ई, और सी ई इक्वल टू क्यू नॉट होता है। इसके जो पहले का जो डेरिवेशन था आपको पता है, आर सी में क्यू नॉट को हम इनिशियल चार्ज एट कैपेसिटर एट सी के तौर पे लेते हैं, ठीक है, या फाइनल चार्ज एट द फाइनल चार्ज इन द कैपेसिटर के तौर पे लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन टू को इस तरह लिख लेते हैं, डी क्यू टी अपॉन डी टी क्यू प्लस टू प्लस टू के डी क्यू अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू माइनस क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें हमने इस टर्म को, क्योंकि ये वेरी नीचे कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है, तो हम इसको x के बराबर में लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dq upon dt equal to dx upon dt, और डबल डिफ्रेंशिएशन किया। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है मैथमेटिकली, इस कारण से हम ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं, साथ में ये वाला कंपोनेंट जो आपका कॉन्स्टेंट है उसको एलिमिनेट भी हमें करना है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या हुआ, d2x upon dt2 plus 2k dx upon dt plus omega square x equal to 0, और इस क्वेश्चन को डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 2d की क्वेश्चन है, तो ये आपके एक्सपोनेंशियल के तौर पे बनेगा, ठीक है। तो x, तो हमने एक सॉल्यूशन मान लिया x equal to a e की पावर अल्फा t, a और अल्फा एज अ कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो dx upon dt और d2x upon dt2 को हमें निकालना है, निकाला d2x upon dt2 क्या हुआ अल्फा, dx upon dt क्या हुआ अल्फा x हुआ, आप देख सकते हैं कैसे हमने किया, d2x upon dt2 को करेंगे तो आपका ये अल्फा स्क्वायर x आएगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर x प्लस 2k अल्फा x प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और आसान होता है, पता है आपको, और हमने x को कॉमन ले लिया, ठीक है। जब x को कॉमन ले लिया तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ आपका अल्फा एज अ वेरिएबल काम करेगा, ओमेगा स्क्वायर एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब अल्फा की वैल्यू निकाल दी श्रीधराचार्य के जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जिसको आपने क्लास 8, 9, 10 में काफी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, उसी क्वेश्चन को उस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, तो क्या वैल्यू आई, माइनस 2k प्लस माइनस अंडर रूट 4k स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां से हमने स्क्वायर रूट के अंदर से 4 कॉमन ले लिया, तो रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो इस 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या आया, माइनस के प्लस माइनस रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आपके दो रूट्स हैं, एक में प्लस साइन रहेगा और एक में निगेटिव साइन रहेगा, तो हमने दोनों को अलग अलग रख लिए, और अब ये किया कि अल्फा के दो वैल्यू हैं, तो अल्फा का जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको इस तौर पे लिखा जा सकता है, x equal to a1 e की पावर अल्फा 1t plus a2 e की पावर अल्फा 2t। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अज्यूम किया था, ठीक है, अज्यूम किया था। अब क्या है, अब हमें दोनों रूट्स मिल गए हैं, ठीक है, लगभग लगभग मिल गए, तो अल्फा 1 अल्फा 2 दो रूट्स मान लिए हमने, और इसको इस तौर पे रिप्रेजेंट किया, ठीक। अब क्या होगा, जो पता है आपको x की वैल्यू हमने फिर इसको किया क्या था, q माइनस q नॉट थी, तो q की वैल्यू क्या आई, q q इक्वल टू q नॉट a1 e की पावर अल्फा 1t प्लस a2 e की पावर अल्फा 2t, ठीक। अब क्या किया हमने, इसको डिफरेंट इस क्वेश्चन नंबर 5 डाल दीजिए, ठीक है। इक्वेशंस के जो नंबरिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कम ज़्यादा ये हो सकती है, ये नहीं आपको डिट्टो यही फॉलो करना है, वो कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, ठीक, dq upon dt इक्वल टू a1 e की अल्फा 1
e की पावर अल्फा 1t प्लस a2 अल्फा 2 e की पावर अल्फा 2t, ये ऐसा कांस्टेंट है, आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू है या फिर इनिशियल वैल्यू है, तो ये तो फिक्स रहती है। फिक्स का अगर डिफरेंशिएशन लेते हैं तो हमेशा एक जीरो ही आता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लेके, ठीक है। अब a1 a2 को हमें निकालना है, ठीक, a1 a2 को निकालना है तो उसके लिए इनिशियल कंडीशंस का इस्तेमाल करना है। t इक्वल टू जीरो में dq q कोई चार्ज नहीं जाएगा तो जीरो होगा, और t इक्वल टू जीरो में आपकी करंट भी जीरो होगी, इसका मतलब dq / dt भी जीरो होगा, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करना है इन दो इक्वेशनों में, एक ये पहली जो बाउंड्री की कंडीशन q = 0 है उसको हम यहां पे पुट करेंगे, और दूसरी कंडीशन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, पांचवें और छठे में रखना है। तो क्या आएगा, 0 = q not plus a1 plus a2 minus q not equal to a1 plus a2, ठीक। दूसरा यहां पे 0 रखा हमने, t को 0 किया तो क्या आया, a1 alpha 1 प्लस ए टू अल्फा टू यहाँ पे लिखा गया है। अब अल्फा और अल्फा टू की वैल्यू पुट कर लीजिए और ए वन ए टू निकालिए, तो क्या आएगा, ए वन अल्फा वन की वैल्यू प्लस में लिया हमने और अल्फा टू की वैल्यू नेगेटिव के टर्म में लिया, ए वन इक्वल टू ब्रैकेट माइनस के प्लस रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट प्लस ए टू ब्रैकेट माइनस के माइनस रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू जीरो। फर्दर हमने क्या किया, इस टर्म को इस टर्म को क्लब किया तो क्या होगा, माइनस के कॉमन ले लिया, ए वन प्लस ए टू प्लस के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए वन माइनस ए टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आपको पता है ए वन प्लस ए टू की वैल्यू क्या होगी, इसके पहले आपने लिखा माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू को यहाँ पे किया तो क्या आया, के क्यू, के क्यू प्लस के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए वन माइनस ए टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए वन माइनस ए टू की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के क्यू नॉट अपॉन रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 को कंबाइंड किया, ठीक है, एक में ए वन प्लस ए टू है और एक में ए वन माइनस ए टू है, ठीक है। इन दोनों को आपने कंबाइंड किया और क्या किया, a1 और a2 की वैल्यू को निकाला, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे a1 और a2 की वैल्यू को निकाला गया, a1 की वैल्यू क्या है, माइनस q बाई टू ब्रैकेट 1 प्लस k रूट अपॉन रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, a2 की वैल्यू क्या है, माइनस q बाई टू ब्रैकेट 1 माइनस k रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या किया गया है, अल्फा 1 अल्फा 2 a1 a2 की वैल्यू को पुट किया गया है, यहां से आपने a1 a2 की वैल्यू निकाली, ठीक, और अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, आप पहले जाएंगे ये वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 में रखा तो क्या आएगा, q equal to q naught minus q naught by 2 1 plus k upon square root में k square minus omega square e की बार minus k plus k square minus omega square minus q by 2 bracket 1 minus k upon k square omega square e की बार minus k minus k square omega square, यह आपकी equation आ गई। और इस equation को ग्रोथ ऑफ चार्ज अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इन एलआरसी सर्किट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब क्या है, आपके पास तीन कंडीशन है, ठीक है, जो कि डिपेंड करेगी के की वैल्यू पे। आइए अब वन बाय वन इसको एक 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 वन बाय वन देखते हैं। तो पहली कंडीशन में आपका क्या है, ओवर डैम्ड की कंडीशन है, the condition in which the damping term is greater than the auxiliary term is called as overdamped condition, ठीक है, means जहाँ जब k की value omega से बड़ी होगी, तो obviously बात है k square की value भी omega square से बड़ी होगी, तो क्या होगा, k square is greater than omega square, ठीक। अब क्या है आपका, यहाँ पे k की value put की r by 2l, ओमेगा की वैल्यू पुट की ओमेगा स्क्वायर 1 / LC,
सॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या आएगी, आर इज ग्रेटर देन 2 बाई रूट ऑफ एल सी, ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इसको हम फिर से ले आते हैं। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अगर रूट लेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का जो टर्म है वो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। ठीक, अब देखते हैं माइनस के प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हमेशा नेगेटिव रहेगा। जब ये वैल्यू जीरो होगी तब ये जीरो के बराबर होगा और ओमेगा स्क्वायर हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, जब किसी पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर घटाते हैं और दूसरी चीज ये बड़ा है ये छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू, इस टोटल टर्म की वैल्यू के से कम होगी। ठीक है, इस कारण से अगर हम इसको कंसिडरेशन में लेते हैं इस टर्म को तो ये हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर आपको पता है जो हमने फाइनल निकाली थी, क्वेश्चन नंबर 10th, द सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आरएचएस इज डिके एक्सपोनेंशियली एंड विल बिकम जीरो एट टी इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, एंड क्यू अप्रोचेस टू क्यू नॉट द कैपेसिटर गेन्स द चार्ज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू इंफिनिटी। लेटर ऑन आपका कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा और फुल्ली चार्ज होने के बाद वो आपका ऐसा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, क्रिटिकली डैम कंडीशन। क्रिटिकली डैम कंडीशन तब होती है जब आपका के इज नियर अबाउट और इक्वल टू ओमेगा, तो स्क्वायर के लिए भी वही चीज होगी, के स्क्वायर इज नियर और नियर अबाउट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। हमने वैल्यूज को पुट किया जैसे लास्ट टाइम किया था, आर इज नियर बाई इक्वल टू 2/L/C। ठीक, अब एक और चीज है, यहाँ पे हम के को ग्रेटर ले रहे हैं, ओमेगा को ग्रेटर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अ पॉजिटिव नंबर होगा जो कि स्मॉल एक h के बराबर है, h बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है h। ठीक, माइनस के प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस ओमेगा इक्वल टू माइनस के प्लस h, ये आपका टर्म हमेशा नेगेटिव नंबर होगा इस कंडीशन में क्योंकि h की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया जो क्वेश्चन नंबर 10 थी, q इक्वल टू q नॉट a1 e की पावर ब्रैकेट माइनस के प्लस एच टी प्लस a2 e की पावर माइनस माइनस के माइनस एच टी। ठीक है, फर्दर सवाल करेंगे e की पावर माइनस के टी को बाहर लेंगे तो क्या आएगा, a1 e की पावर एच टी प्लस a2 e की पावर माइनस एच टी। ठीक है, और हमने इस एक्सपोनेंशियल के तौर पे लिख लिया और केवल दो कंपोनेंट का ही कंसिडरेशन में लिया है क्योंकि एच की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से q इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस के टी ब्रैकेट में a1 ब्रैकेट फिर 1 प्लस एच टी प्लस a2 1 माइनस एच टी। ठीक, फर्दर सॉल्व किया हमने, राइट हैंड साइड में देखिएगा ये q नॉट का कंपोनेंट वैसे चलेगा, e की पावर माइनस के टी वैसे चलेगा, a1 प्लस a2 प्लस एच टी a1 माइनस a2। हाँ, हमने a1 a2 जो पहले निकाला था ठीक है उसको रखना है, a1 a2 की वैल्यू माइनस की होती है और a1 माइनस a2 की वैल्यू क्या थी, माइनस के क्यू नॉट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाकी जो कंपोनेंट है उसी तरीके से लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता है के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो जो रूट होगा वो एच के बराबर होगा। ठीक, तो क्या आएगा, q इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस के टी ब्रैकेट माइनस q माइनस के क्यू एच एच टी, यहाँ से दोनों आपस में कट जाएंगे और q को हमने कॉमन ले लिया माइनस q को। ठीक है, या फिर कहिए q को कॉमन ले लिया, तब क्या आएगा, q इक्वल टू q नॉट प्लस e की पावर माइनस के टी q नॉट माइनस 1 माइनस के टी। फर्दर सॉल्व करेंगे q इक्वल टू q नॉट माइनस q नॉट 1 प्लस के टी e की पावर माइनस के टी। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, द सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन 11 शोज द फास्ट डिके ऑफ द चार्ज एंड इट बिकम इक्वल टू 0 एट अ स्मॉल टाइम। ठीक, द
the charge of a capacitor increases rapidly with time and its gain is maximum value small time. ठीक है, जब आप बराबर एक कंडीशन में डैम्पिंग रेशियो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तब के लिए है, ठीक। अब तीसरा कंपोनेंट आता है लाइटली डैम कंडीशन। ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीलेटेड टर्म जो होता है ओमेगा स्क्वायर वो आपका ज्यादा होता है डैम्पिंग टर्म से, मींस डैम्पिंग टर्म इसमें छोटा होता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, k स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो r इज लेस देन 2 स्क्वायर रूट l बाय c, ठीक है। अब क्या है, ओमेगा स्क्वायर बड़ा है तो k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कोई भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उसको हम किसी j के कंपोनेंट में लिखते हैं, उसको j बीटा से हमने शोकेस किया, ठीक है, नेगेटिव इस तरह से आएगी, ठीक है। तब क्या होगा, माइनस k प्लस माइनस k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखा माइनस k प्लस माइनस j बीटा इस टर्म में लिखा, ठीक है। अब क्या है, इक्वेशन नंबर 10 जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको रीराइट करने का रीराइट हमने किया, ठीक है, इसके थ्रू और भी चीजें हैं। क्या आएगा, q इक्वल टू q नॉट माइनस q नॉट बाय 2 ब्रैकेट 1 प्लस k बाय j बीटा e की पावर माइनस k प्लस j बीटा t माइनस q q नॉट बाय 2 1 माइनस k j बीटा e की पावर माइनस k माइनस j बीटा t, ठीक है। अब इसमें अपने अपने कंपोनेंट कॉमन ले लेते हैं। पहला काम ये किया, ए की पावर माइनस के टी ये हमने पिक कर लिया, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ए की पावर माइनस के टी ब्रैकेट 1 बाय 2 1 प्लस के जे बीटा ए की पावर जे बीटा टी प्लस 1 बाय 2 1 माइनस के जे बीटा ए की पावर माइनस जे बीटा टी, ठीक है। अब इसको हम साइन और कॉस के कंपोनेंट में बनाएंगे, जो आपने क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेसन में पढ़ा होगा, ठीक। कैसे होगा, q इक्वल टू q माइनस q नॉट e की पावर माइनस kt ब्रैकेट e की पावर j बीटा t प्लस e की पावर माइनस j बीटा t, ये आपका कंपोनेंट cos बीटा t के बराबर बन गया, ठीक। प्लस के वाई बीटा ई की और जे बीटा टी माइनस ई की और माइनस जे बीटा टी टू जे, ये आपका कंपोनेंट साइन के बराबर बन गया, ठीक है। अब लिख लिया क्यू इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई की और माइनस के टी कॉस बीटा टी प्लस के वाई बीटा साइन बीटा टी, ठीक है। अब हमने ये वाला कंपोनेंट को लिखा टेन फाइव के बराबर, जो कि इक्वल टू होता है वन साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। cos phi की वैल्यू पुट कर दी k बीटा अपॉन k स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू पता है आपको ओमेगा के बराबर होगी, तो cos phi की वैल्यू क्या आ गई, बीटा अपॉन ओमेगा के बराबर आ गई, ठीक है। अब देखिए ये जो कंडीशंस है k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट की, ये पता है आपको कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि j बीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने ये कैसे आया है उसको हमने यहाँ पे दिखाया है मैथमेटिकली, ठीक है। देखिए एग्जाम में अगर थ्योरी के पेपर में आप हैं और डेरिवेशन आ रहा है, जितनी ज्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे उतना ही अच्छा है, ठीक। चलिए अब क्या है, q इक्वल टू माइनस क्यू माइनस क्यू ई की बार माइनस के टी कॉस बीटा टी प्लस साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव साइन बीटा टी, ठीक है। अब हमने cos phi को बाहर ले लिया, तो cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो क्या आ गया, q इक्वल टू q नॉट माइनस q नॉट की और माइनस k t cos phi cos beta t माइनस phi, ठीक। अब क्या किया हमने, cos phi की वैल्यू रख दी, कहां से यहां से निकाला, जो beta y omega है, ठीक है, वहां से निकाला। तो क्या q इक्वल टू q नॉट माइनस q नॉट अपॉन बीटा ओमेगा e की पावर माइनस kt cos बीटा t cos फाई,
इक्वेशन नंबर 12 है, द सेकंड टर्म ऑफ द इक्वेशन शोस द एक्सपोनेंशियली हार्मोनिकली डिले। ठीक है, अब क्या है, देखिए तीन कंडीशन है, जब आपका k इज ग्रेटर देन 2 है तो ऑक्सीलेशन होते होते आराम से जाएगा। ठीक, जब आपका नियर है, अबाउट है के इज नियर टू ओमेगा, तब भी थोड़ा सा स्लो बनाते हुए जाएगा और क्यू नॉट के ऊपर नीचे रहेगा। ठीक, और जो चार्जिंग है बहुत तेज होगी। ठीक, जब आपका के की वैल्यू ओमेगा से छोटी है तो चार्जिंग होगी लेकिन धीरे धीरे होगी और काफ़ी समय बाद होगी। ठीक है, तो आपकी अगर आपको चार्जिंग करनी है तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, के इज नियर बाय इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर रहा, अगले लेक्चर में हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर पढ़ेंगे। और मैंने ये वीडियो बनाया है, अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मैं कोशिश करूँगा सारे लेक्चर सब्जेक्ट्स के आपको इस प्लेटफॉर्म में मिले। नोट्स आप बना सकते हैं वीडियो देख के, रोक रोक के बाद में पॉज लगा लगा के आप नोट्स बना सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जितनी इन्फॉर्मेशन आप देंगे, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, यू विल गेट द मैक्सिमम नंबर्स, क्योंकि आप सारा सारा जो आपको आता है, जो पूछा गया है, आप उसको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत